कभी भी गूगल पे इस तरह से सर्चेस से नहीं होता है। किसी दिन आपने गूगल पे लिखा कि अच्छा आज डेमोक्रेसी के ऊपर सर्च करते हैं, ठीक है, या आज हम इकोनॉमी के ऊपर सर्च करते हैं, दिस इज नेवर हाउ इट विल वर्क। ये ऐसे नहीं होगा। आपको कंटेंट, डेटा, इंफॉर्मेशन हमेशा ऑर्गेनिकली जमा करनी पड़ती है, ठीक है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एसेज। एसेज के अंदर क्या है कि अब तो वैसे ही वो थीम बेस्ड एसेज नहीं आ रहे, ठीक है, पहले आते थे इस तरह के एसेज के, ग्लोबलाइजेशन प्रोज एंड कॉन्स या पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस, जो कि किसी एक थीम के ऊपर होते थे। सो टीचर्स क्या करते थे यूजली, या अकेडमिक्स क्या करती थी कि वो कोई 12 से 14 थीम्स पढ़ा देते थे कि आज हमने सोशल मीडिया कर लिया, आज हमने लेट सपोज इकोनॉमी कर लिया, एक्सेट्रा, विच वॉज अ वेरी 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 रॉन्ग अप्रोच, जिसको मैं 2 साल से कह रही हूँ कि ये अप्रोच ठीक नहीं है, ठीक है। अब उसके अंदर वैसे भी लिटरली ऐसे ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन लिटरली नहीं भी है तो जो एब्स्ट्रैक्ट पोर्शन में भी वो थीम से हट जाते हैं, ठीक है। और फिर भी अगर थीम बेस्ड लेट सपोज आ भी जाए कभी, तो मेक योर मार्क, टू सेट योर ओन आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोच इन दैट, आपको कभी भी ये जो टेक्स्ट बुक वाला मटेरियल होता है ना मार्केट में, ये कभी भी काम नहीं देगा। टेक्स्ट बुक्स के खिलाफ प्लीज अभी से हो जाए, देर इज नॉट एनी नीड टू रिलाई ऑन देम हेवीली। परचेज कर लिए तो दैट इज अ सेपरेट मैटर, लेकिन रख दें, सिर्फ उनको एक सैंपल के तौर पे देखें। डेटा आपका नॉट ओनली इन इंग्लिश ऐसे बल्कि सब सब्जेक्ट्स के अंदर हमेशा रॉ तरीके से जमा होगा। और मेरा ये मानना है कि मेरा इतनी गंदी अटेम्प्ट के अंदर, जो कि रिटर्न स्कोर बहुत कम दे रही थी, उसके बावजूद उसने रिटर्न के टॉप स्कोरर्स में इसीलिए गई क्योंकि मेरे पास एक चीज थी और वो थी फैक्ट बुक, ठीक है। ना सिर्फ फैक्ट बुक ने इंग्लिश ऐसे के अंदर काम करना है, इसमें आपके तमाम 12 सब्जेक्ट्स के अंदर काम करना है। अब ये फैक्ट बुक क्या चीज है, अभी आपके पास बुक शॉप पे अवेलेबल होगी। फैक्ट बुक क्या है बेसिकली, कि लेट सपोज आप आज अखबार पढ़ने बैठे हैं और आपको आज अखबार के अंदर कोई शुरू शुरू में न्यूज नजर आ गई है इकोनॉमी के ऊपर, ठीक है, उसके बाद क्लाइमेट पे कुछ अच्छा सा नजर आ गया, फिर आपने कोई ओपेड पढ़ना शुरू किया तो ओपिनियन पीसेस के अंदर आपको कोई वुमेन्स राइट्स के बारे में बहुत ही कोई जबरदस्त किस्म का सोल्यूशन मिला है, जो कि कोई सजेशन था। अब आपका इशू ये होता है कि आप रोज अखबार पढ़ते हैं और रोज उसे जाया करते हैं, ठीक है, वो वेस्ट हो जाता है, इट इज नॉट रिटेन्ड अल्टीमेटली इन योर ओन मेमोरी। एंड देन आफ्टर ऑल हाउ मेनी रजिस्टर्स कैन यू ओपन टू पुट द रेलिवेंट डेटा इन द रेलिवेंट लेक्चर्स, ठीक है। होता क्या है कि फैक्ट बुक में आप यूं करते हैं कि लेट्स सपोज आपने एक बुक ली है, ठीक है, बुक के अंदर आपने सेक्शन बना लिए हैं शुरू से कि लेट्स सपोज मेरे पास ये सेक्शन है वुमेन्स राइट्स का, ठीक है, 4 पेजेस के बाद मेरे पास कोई सेक्शन है इकोनॉमी का, नेशनल इकोनॉमी और फिर इंटरनेशनल इकोनॉमी, ठीक है। ये सेक्शंस आपको कैसे बनाने के भी अभी देख लेते हैं। सेक्शंस बने हुए हैं क्लाइमेट के ऊपर, वुमेन के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप जो चीज रोज न्यूज पेपर में पढ़ते जाए ना, स्टार्ट पुटिंग दैट इन टू योर फैक्ट बुक इन द रेलिवेंट सेक्शन, अदरवाइज एवरीथिंग इज गोइंग टू वेस्ट, ठीक है। उसके अंदर जो हमने आपकी फैक्ट बुक बनाई है, और वो कल ही पूरी रात बैठ के मैंने आपके लिए एक फ्रेश उसका वर्जन बनाया, उसके अंदर क्या है कि आपके पास सेक्शंस बने हुए हैं, ठीक है, एक सेक्शन के बाद दूसरा पेज आपके पास छोड़ा गया है, फॉर इंस्टेंस इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस का या मॉडल्स का, ठीक है। ये मॉडल्स का पेज छोड़ने की क्या रीजन थी, ताकि आपको एक क्यू मिल जाए कि लेट सपोज मेरे पास क्लाइमेट का इशू है तो इसके ऊपर अब मैंने ये पेज फिल करना है, ठीक है, इस पेज के अंदर मैं फिल करूं, कुछ सर्च करूं कि बेस्ट मॉडल्स क्या दुनिया में कभी फॉलो हुए क्लाइमेट के लिए। एजुकेशन है तो उसके ऊपर बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या आए, यू विल सी कि स्कैंडिनेवियन मॉडल ऑफ एजुकेशन बेस्ट मॉडल ऑफ एजुकेशन रहा है ट्रेडिशनली, ठीक है। हेल्थ के ऊपर बेस्ट मॉडल्स क्या है, इसी तरह आपके पास एक सेक्शन कल जो मैंने बनाया था वो था, हाँ, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर है, तो ग्लोबलाइजेशन के साथ एक पूरा पेज दिया गया है कि उसकी हिस्टोरिकल कोरिलेशन के ऊपर, ठीक है। अब पेज के अंदर आप खुद फिल करें सर्च करके कि अभी जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर चेंजेस हो रही हैं उसका कोई हिस्टोरिकल भी हमें मिलता है कोरिलेशन, या इस तरह की हिस्ट्री में कोई सिमिलर इवेंट्स हुए, अच्छा उनका आउटकम क्या था। जो आपकी केस स्टडीज या एनालिसिस बिल्डिंग होती है ना, वो यही है कि यू कोरिलेट द मॉडर्न इवेंट्स विद एनी हिस्टोरिकल इवेंट, यू कोरिलेट योर करंट इश्यूज विद द बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है, एंड यू अप्लाई दोज सॉल्यूशंस, दीज आर गोइंग टू बी द प्रैक्टिकेबल सोल्यूशन। वो ये सोल्यूशन नहीं होंगे कि एजुकेशन का मसला है तो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को एनरोल कर लें, कैसे करें दैट इज द क्वेश्चन। 22 मिलियन चिल्ड्रन को स्कूलों में ला के बिठाना कोई बच्चों का खेल नहीं है,
बाकी दुनिया में किसी ने अगर ये इशू देखा तो उन्होंने क्या किया था? ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट का इशू है तो वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर अगेन इसी तरह आपको पूरा वर्कबुक के अंदर पेज दिया गया है मॉडल्स का, तो बैठ के उसको फिल करें कि भाई कहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या हुआ, बांग्लादेश ने क्या किया था, ठीक है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ने क्या किया था, ठीक है, ये सारी सारी दैट इज मेड विद अ लॉट ऑफ थॉट टू इट। बट उसके फॉरवर्ड में मैंने एक चीज लिखी है कि यहां से आपका स्टेप, पहला स्टेप स्टार्ट हो रहा है दैट यू आर डिक्लाइनिंग द रोट लर्निंग एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड, कि मैंने खुद से अपने थॉट प्रोसेस को, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस को बिल्ड करना है और लेके चलना है। बट टेक इट एज अ स्टेपिंग स्टोन इंटेंशनली, उसके अंदर मैंने दुनिया के ऑल पॉसिबल सेक्शंस नहीं लिखे ताकि आपको पढ़ के कुछ सेक्शंस आप खुद से क्रिएट करें, ठीक है। उसके अंदर इसी तरह बुक रिव्यूज का सेक्शन है, थ्योरीज का सेक्शन है। थ्योरीज यू विल रियलाइज कि आप न्यूज़पेपर को पढ़ते रहे ना, जैसे संडे के डॉन में आपका बुक्स एंड ऑथर्स का सेक्शन भी आता है, कोई वहां से मिल सकता है, कोई ना कोई किसी मंडे को आपका बिजनेस इनसाइडर आता है तो उसमें कोई ना कोई एग्रीकल्चर या फार्मिंग या इकोनॉमी के रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा, थ्योरीज में उसको लिख लें। एक बुक समरी एटलीस्ट हर संडे को डॉन के बुक्स एंड ऑथर्स में लाजमी आती है, या किसी ना किसी ने ओपिनियन या एडिटोरियल में किसी बुक की समरी लिखी होती है, उसको बुक समरीज के सेक्शन में डालें, ठीक है। इसी तरह जो आपका मेंटरशिप के बैच के स्टूडेंट्स हैं जो सारे सब्जेक्ट्स में इनरोल्ड हैं, उनके तो एवरी फ्राइडे हमने करवाने हैं बुक रिव्यूज और बुक समरीज के सेशन, जो कि मैंने खुद मॉडरेट करने हैं। इस वेनेसडे को जो आपकी क्लास है ना, उसमें मैंने बेसिकली आपके साथ सारी वो रिकमेंडेड बुक्स की लिस्ट डिस्कस करनी है कि किस बुक को कैसे पढ़ना है, उसमें से कौन सा चंक उठाना है, कौन सा नहीं उठाना, और फिर एवरी फ्राइडे कम ओवर हियर एंड लेट्स डिस्कस दैट, वो लिखें। उसमें फिर एक अनदर थिंग इज कि वोकैबुलरी का सेक्शन है। वोकैबुलरी एक ऐसी चीज है जो कि इंग्लिश प्रेसी के अंदर बिला वजह शहीद करवा देती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो आपके पास 20 मार्क्स के सिनोनिम्स एंटोनिम्स होते हैं, जिनको करने का कोई तरीका नहीं है सिवाय इसके कि आप दिन में जितने वर्ड्स पढ़ते हैं ना जो मुश्किल लग रहे हैं, चाहे वो 2 लफ्ज हैं चाहे वो 10 लफ्ज हैं, उनको इस वोकैबुलरी के सेक्शन में लिखें और खुद सर्च करके उनका मीनिंग लिखें। खुद लिखेंगे तभी याद रहेगा, अदरवाइज याद नहीं रहेगा। ये जो लिंग्विस्टिक्स की या लैंग्वेजेस की मेमोरी है, ये खुद ही लिख लिख के करने से आएगी, ठीक है। आई नो समबडी जिसने मेरे से पहले 2 अटेम्प्ट्स दी थी और उसकी हर दफा प्रेसी में बहुत अच्छे मार्क्स होते थे, ठीक है। मेरी पहली पहली अटेम्प्ट थी, मुझे लगता था कि ये बहुत बड़ा कोई पापा टाइप का इंसान है, ठीक है। और उसके मुताबिक उसने 6,000 वर्ड्स की लिस्ट याद की हुई थी सिनोनिम्स एंटोनिम्स की, ठीक है। और मुझे लगता था कि मेरा तो बस हो गया यहीं पे, ठीक है। मैंने कोई भी लफ्ज याद कभी नहीं किया था। दैट वाज दी ओनली एक्सरसाइज जो मैंने की थी कि जो लफ्ज मुश्किल लग रहा है ना, या इवन अखबार के अंदर कभी कभी ईडियम कोई नजर आता है, ईडियम भी लिख लिया, ठीक है। कोई पेयर ऑफ वर्ड्स टाइप की चीज नजर आती है जहां पे मुझे पता है कि एक वर्ड है फॉर एग्जाम्पल बोर, तो इसके सिमिलर एक वर्ड बोर भी होता है, तो इसका क्या मतलब लिख लिया, ठीक है। This is how I prepared for vocabulary without any ratta of any sorts. That person failed in Pressy, ठीक है, और मेरे अलहमदुल्ला अच्छे मार्क्स थे even in that very difficult Pressy, जिसके अंदर वो शशि थरूर के भी ट्वीट आई थी कि ये लफ्ज तो मैंने भी कभी नहीं देखे जो इनके सिनोनिम्स एंटोनिम्स में आए, ठीक है। कहने का मकसद ये कि दिस इज द वे जिससे आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वोकैबुलरी है, थ्योरीज हैं, बुक रेफरेंसेज हैं। एक और सेक्शन मैंने उसमें एडिट दिलवाया इसके अलावा, कोट्स के अंदर भी अगेन आपका एक क्राइसिस होता है कि कोट्स को अब आप याद करने बैठ जाते हैं, क्लाइमेट चेंज पे उसने ये कहा, उसने ये कहा, दैट इज नॉट हाउ यू विल डू इट, ठीक है। रोज जो न्यूज़पेपर में कुछ भी पढ़ते हैं ना, एक एक चीज भी पढ़ें, ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही आपने पूरी बुक को फिल कर लेना है। जो काम की चीज नजर आती जाती है ना, लिखते जाए इसके नंबर ऑफ पेजेस मैंने खुद ज्यादा नहीं किए ताकि आपकी कॉस्ट कम रहे। हम उसे 2000 रुपीज का सेल नहीं करना चाह रहे थे, मेरे ख्याल से वो सिर्फ 350 की रखी है, बहुत ज्यादा उसमें ऑप्टिमाइजेशन कॉस्ट की है कि सेक्शंस भी सारे बन जाएं लेकिन इतनी कॉस्ट इंटेंसिव ना हो आपके लिए। अब फिर उसके बाद क्या करना है, जो आपने पढ़ा उसके अलावा जो आपने सुना यूट्यूब पे देखा, लाजमी अपनी जो आपकी हैबिट ऑफ स्टडिंग है ना, उसमें न्यूज़पेपर्स के अलावा यूट्यूब को लाजमी डालें, ठीक है। और जनरल जो बुक रीडिंग है उसको भी लाजमी डालें। जो अभी आपको लिस्ट ऑफ रिकमेंडेड बुक्स वैसे मिल जाएगी बुक शॉप से, उसमें यूट्यूब चैनल भी लिखे हैं हर थीम के लिए, कि फॉरेन अफेयर्स के लिए कौन बेस्ट है, ठीक है, इकोनॉमी के लिए कौन बेस्ट है, कौन सा चैनल है, ठीक है, कोई थ्योरी करनी है तो कौन सा चैनल करना है, वो सारा कुछ उसमें खुद से मैंने लिस्ट करके दिया है। बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, इट्स वेरी एग्जॉस्टिव, ठीक है। यूट्यूब को डेली थोड़ा बहुत लाजमी देखा करें, बिकॉज देयर इज अ ह्यूमन लिमिट टू विच यू कैन स्टडी एंड स्टडी एवरी डे, ठीक है। एंड यूट्यूब का क्या होता है कि जहां बुक्स आपको एक ट्रेडिशनल बुकिश या थ्योरेटिकल वेल साउंडेड नॉलेज देते हैं ना, जो आपको एकेडमिकली अच्छा करता है,
यूट्यूब आपको डेवलपमेंट, स्टेटिस्टिक्स, लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस के बारे में बताता है, जो आपको बुक्स नहीं बताएंगी। जो यूट्यूब आपको नहीं बताएगा वो बुक बताएगी, ठीक है। हैव अ डेलिकेट बैलेंस एंड मिक्सचर ऑफ बोथ ऑफ देम। उसमें जो जो नजर आता है उसको फैक्ट बुक में डालते रहें। लेट्स सपोज हम, जैसे मैं कह रही थी कि नवंबर दिसंबर में आप बिल्कुल आवाजार हो जाते हैं, इन दोज मंथ्स मेरी हैबिट तो सिर्फ रिटन प्रैक्टिस की थी, लेकिन फैक्ट बुक मेरे आखिरी दम तक बनती रही थी। कैसे कि शाम को कोई वॉक हो रही है तो वॉक करते करते वैसे ही कोई यूट्यूब की एक वीडियो लगा ली फ्रॉम दोज सोर्सेज जो मैंने खुद ही रिकमेंड आपको किए, वीडियो वॉक करते करते सुन ली, उसमें दो तीन जो इंपॉर्टेंट चीजें सुनी है ना वो फोन पे उसी वक्त लिख ली, वॉक से वापस जाते ही फैक्ट बुक के सेक्शन के अंदर उनको ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। इट वॉज अ वेरी स्मार्ट वे, ये दिन का आधा पौना घंटा से ज्यादा नहीं लेता था, लेकिन बाय द एंड मैं अपनी फैक्ट बुक लाई नहीं हूँ अभी, वो इतनी ज्यादा बेहतरीन किस्म के नोट्स जमा हो गए थे, जिसमें कोट्स भी थे, जिसमें आउट ऑफ द बॉक्स इनोवेटिव आइडियाज भी थे, उसमें थ्योरीज भी थी, उसमें वोकैबुलरी भी है, उसमें पॉलिटिकल साइंस भी है, उसमें आईआर भी है, उसमें जेंडर एनवायरमेंट, उसमें हर चीज है, ठीक है। और उसके अंदर जो सॉल्यूशंस थे वो स्पेशली सॉल्यूशन पे मैं बात क्यों करती हूँ, क्योंकि अगर दो लोगों के पेपर्स एक जैसे हो ना एसए में या किसी भी सब्जेक्ट में, फिर उनको जज करने की डिटर्मिनेंट्स में इलस्ट्रेटिव एस्पेक्ट वगैरह के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि सॉल्यूशंस या रिकमेंडेशंस किसके ज्यादा बेहतर है, ठीक है। जिसने जेनेरिक सॉल्यूशंस लिख दिए ना कि एम्पावर द वुमेन, ब्रिंग देम टू एजुकेशन, वो गया। हाउ डू यू डू दिस, किसने बताया कि इस तरह से कर लो, या किसने करके दिखाया, क्या मॉडल चला, क्या हुआ एनालिसिस है तो हिस्ट्री के साथ क्या कोरिलेशन था या कंटेम्पररी कोरिलेशन, वो सारा एक होलिस्टिकली एक जगह पे जमा हो गया। वो जमा हो गया तो आपने सिर्फ एक काम करना है कि वंस अ मंथ, महीने में एक दफा उसको सिर्फ रीड करना है या स्किम करना है, याद नहीं करना। अपने हाथ से लिखी हुई चीज होगी ना तो याद वैसे ही रहेगी। प्लीज किसी की फैक्ट बुक नहीं लेनी, ठीक है। अदरवाइज मैं अपनी फैक्ट बुक आपको सेल कर दूं या दे दूं, ले लो, लेकिन आपको वो कभी भी याद नहीं होगी। जब रट्टा मारना पड़ गया ना तो फिर फैक्ट बुक का मकसद खत्म, वो तो मार्केट वाली टेक्स्ट बुक बन गई। खुद से लिखें, महीने में एक दफा किसी संडे को सिर्फ उसको ऐसे गुजार के रीड कर लें, बस 12 बीच में संडे आते हैं, 24 आते हैं, 36 जब तक आपका एग्जाम है, इन सारे संडेज के अंदर आपको वो सारी इतनी अच्छी अजबर हो जाएगी। और फिर याद कैसे रहेगी, जब आप अप्लाई करते हैं उस नॉलेज को टेस्ट दे के लिख के, प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना अप्लाई करना आएगा ही नहीं, फिर आप वो आर्मचेयर एकेडमिशियन बन जाएंगे, ठीक है।